आज का कोर्स। बोलते वक्त हम अपने पुराने ज्ञान को रिवाइज करते हैं और सुनते वक्त हम नए ज्ञान को अचीव करते हैं, इसलिए बोले कम सुने ज्यादा। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ने शास्त्र विस्तरे, गीता पढ़ना हमारा कर्तव्य है, इसलिए शुरू करते हैं। नमः श्रीमद् भगवद् गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सवः, मामकः पांडवः चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच, दृष्टा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, आचार्यम् उपसंयम्य राजा वचनं ब्रवीत। आज हमारे घर का जो 3 नंबर छत है ऊपर वाला, उसकी ढलाई का काम शुरू होने वाला है। कुछ ही देर में वर्कर्स आ जाएंगे। देखिए सीमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे बालू का ढेर, इधर पत्थर का ढेर, ये एक मशीन है, उधर और एक मशीन है। ये दोनों मशीन में कंक्रीट का जो मसाला है उसको बनाकर फिर ऊपर भेजा जाएगा। जैसे ऊपर वाले जहाँ छत होने वाला है, ये दो मशीनें हैं, ऊपर वाले छत में भेजा जाएगा और ढलाई का काम शुरू होगा। वर्कर्स अभी आएंगे 40-50, फिर काम शुरू होगा यहाँ पे। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, थोड़ा टमी को फिट कर लेता हूँ, नहीं तो सारा दिन शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो मैं थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स, एक बनाना, कॉफ़ी, थोड़ा ओट्स, किशमिस के दाने और चामरे भात बोलते हैं जो हर पीला दिख रहा है, चावल, नमक और तेल डाल के बनाया जाता है। बालू बाद में कम ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी स्ट्रक्चर से गिरा रहे हैं, ताकि बाद में फिर स्कार्सिटी ना हो, कम ना हो और प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए रॉड का नेटवर्क, यहीं पे ढलाई होने वाला है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। सारा दिन आज यहीं पे काम चलेगा, कड़ाके की धूप भी दी हुई है आज। आज थोड़ा प्रॉब्लम हम सभी को होने वाला है, पसीने से तरबतर होने का समय आ गया है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगर तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। यहाँ ढलाई का काम होगा सारा दिन और मुझे ऊपर नीचे आज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कुछ किया नहीं किया, कहाँ कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, कोई क्या मांगेगा, कहीं कुछ लगेगा। उसके नीचे का ये जो सपोर्ट देने के लिए, उस छत को सपोर्ट देने के लिए, देखिए बांस का जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है, और ये जो ऊपर का जो छत का जो वेट होगा ये यही रजिस्ट करेगा। श्री गणेश कर लिया है, भगवान को याद करके थोड़ा पूजा देखे, उसके बाद देखिए काम शुरू हो गया। चालो शुरू बिगिन। देखिए ऊपर ढलाई का मसाला, इधर वो मशीन गिराएगा, ये देखिए वो सीमेंट का घोल है जो वो पहले डालना पड़ता है ताकि वो भीगा रहे और मसाला है जो उसको पकड़ सके। देखिए कैसे वो कुछ काम कर रहे हैं, वो मसाला इधर छिटक रहा है, वो मशीन से नीचे बना हुआ कंक्रीट का मसाला ऊपर ले आया और फिर इधर कुदाली से लोग यहाँ उधर स्कैटर्ड कर रहे हैं। नीचे लड़कियाँ लड़के सभी मिलकर मसाले का काम कर रहे हैं, सारे वर्कर्स बिजी हैं, कड़ाके की धूप है और सारे लगे हुए हैं। देखिए कैसे मशीन में पत्थर, बालू और सीमेंट डालते हैं और वो मशीन खुद ब खुद उसको मिक्सचर बना के फिर ऊपर डाल देता है। पत्थर ना कम पड़ जाए इसलिए थोड़ा पत्थर मंगवा ही लिया, बाद में अगर कम पड़े तो फिर भागा दौड़ हो जाएगा और रेडी स्टॉक नहीं होने से फिर छत आधा रुक गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए पहले ही सारे जुगाड़ कर लिए हैं।
छत की ढलाई है, इसीलिए कुछ लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। देखिए डंपर से पत्थर गिरा के डंपर, फिर यहाँ से 9-11 हो जाएगा। जितना अनलक्की सोचा था कि समय ही नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय निकल ही गया। थोड़ा चावल, थोड़ा भिंडी की सब्जी, दाल, एक कटोरा दही, पापड़ और एक जो एलिफेंट एप्पल होता है उसका सब्जी बना के जो खाते हैं वो है। तो आज का मेरा ये लंच के बाद, देखिए ये वर्कर्स भी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं सारा दिन काम करने के बाद 1-1.5 बजे तक। उसके बाद ये मेरी शाम की चाय, थोड़ा भुजिया और चाय नहीं कॉफ़ी थोड़ा लेके मैं बैठा हूँ, क्योंकि और बहुत सारा काम बाकी है। देखिए छत पे कड़ाके की धूप, सूख रहे हैं गर्मी से सभी, फिर भी काम चल रहा है। सीमेंट थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है क्योंकि ढलाई का काम प्रोग्रेस में है। देखिए बच्चे कैसे इसको काट कर दे रहे हैं और उधर वो लाके मशीन में डाल रहे हैं। फिर देखिए शाम ढलने वाला है, थोड़ा काम में देरी हो गया क्योंकि मशीन का जो बेल्ट था 2-3 बार वो चिटक के टूट गया, फिर उसको बनाने में थोड़ा टाइम चला गया। तो एक मशीन के जितने हैं वो फ्री हो गए, बाकी सब है यहाँ। जब दिन ढल जाए, सांझ के दुल्हन बदन चुराए, कैसे आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर। जब दिन ढल जाए, दुल्हन बदन चुराए, कैसे आए।